हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल स्कैम्स के बारे में, जो बहुत सारे लोगों के साथ हो रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा ना हो, अगर आप भी स्कैम से बचना चाहते हैं, तो प्लीज इस वीडियो में बने रहें। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सो गाइस, टेक्नोलॉजी की वजह से काफी सारी चीजें आसान हो गई हैं और हर किसी के घर लाइट होती है। तो अगर आप यूज करोगे तो ऑब्वियस एक बात है कि आपको बिल पेमेंट करनी होगी। कुछ दिनों पहले की बात है, अगर आपको बिजली पेमेंट करनी होती थी तो बहुत लंबे लंबे लाइनों तक लगना पड़ता था, लेकिन आप टेक्नोलॉजी की वजह से घर बैठे बैठे बिल पेमेंट कर सकते हो। और जब से ऑनलाइन बिल पेमेंट का ऑप्शन शुरू हुआ है, तब से स्कैमर्स इसके अंदर भी घुस के लोगों को लूटना शुरू कर दिया है। 1000-2000 तो ठीक है, लेकिन आपके अकाउंट में जितने भी पैसे होंगे धीरे धीरे सारे खाली हो जाएंगे। तो गाइस, ये स्कैम्स होते कैसे हैं और आप इससे कैसे बच सकते हो, इस वीडियो में हम वही सीखेंगे। जैसे कि आपको एक मैसेज आएगा कि आपका इस महीने का बिल इतना है, यानी कि मान लेते हैं 10,275 रुपए है, और अगर आप इस बिल को 9 बजे तक जमा नहीं करते हैं तो आपके घर की कनेक्शन काट दी जाएगी। तो गाइस, उसी मैसेज में एक लिंक होगा और जल्दबाजी में आप उस लिंक को क्लिक करेंगे और आप वहां पे पेमेंट कर दिए तो आप अगर बैंक बैलेंस चेक करने जाओगे तो आपको वहां पे 0 बैलेंस दिखेंगे, यानी कि आपके खाता साफ हो चुके हैं। और जब आप बैंक जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके साथ हो गया है स्कैम। तो आप यहाँ पे गलती क्या करते हो कि जो मैसेज आता है वो आप ध्यान से देखते नहीं हो, आप सिर्फ पेमेंट देखते हैं और जल्दी जल्दी में पेमेंट कर देते हैं, और वो मैसेज किसी बिजली विभाग से नहीं आती, वो स्कैमर की तरफ से क्लोन मैसेज आता है और वो डिटेल ऐसे बना के भेजते हैं जैसे कस्टमर का जो अकाउंट नंबर था वो भी गलत था, और वहां पे जो बिजली कितने यूनिट खर्च हुए हैं वो भी गलत होता है, और जो पेमेंट का लिंक था वो भी गलत लिंक था, स्कैमर्स के द्वारा बनाया गया लिंक था। और गाइस, मैसेज में जो पेमेंट के लिए लिंक होते हैं वो भी फेक होते हैं, स्कैमर्स के द्वारा बनाया गया लिंक होता है। आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करते हैं, आपके फोन में एक वायरस डाउनलोड होता है और आपका सारा डिटेल्स उस स्कैमर के पास चला जाता है, यानी कि आपके फोन का कंट्रोल उस स्कैमर के पास चला जाता है। तो वो सिर्फ मैसेज ही नहीं, आपको कॉल भी कर सकते हैं, और नहीं तो उस मैसेज में ही एक नंबर रहेगा, आप वहां पे लिखा हुआ होगा कि उस नंबर पे क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हो। तो इससे बचने का एक ही उपाय है कि जब भी आपके पास ऐसे मैसेज आता है तो सबसे पहले आप वेरीफाई करें, जैसे कि कस्टमर अकाउंट नंबर सही है या नहीं, या फिर कितने यूनिट खर्च हुई और कितने पैसे देने होंगे। आप पेमेंट करने के लिए दो ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे कि आप पेमेंट करने के लिए यूज करते हैं फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, तो आप वहां पे जाके इलेक्ट्रिसिटी ऑप्शन में आप वहां पे कंज्यूमर नंबर एड ऑन कर सकते हैं, तो हमेशा के लिए ये सारे क्लेश खत्म हो जाएंगे। दूसरा तरीका, हर स्टेट के लिए एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है, जैसे उत्तर प्रदेश के लिए UPPACL हो गया, और आपके एरिया के जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर है आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये दोनों तरीके भी सही नहीं लग रहे हैं तो आप बिजली घर में जाके पेमेंट कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई मैसेज पर लिंक आए तो उस पे आपको क्लिक नहीं करना है, आपको उस मैसेज को इग्नोर करना है और हो सके तो उसको डिलीट कर दें। और अगर किसी के साथ ऐसी घटना हो जाती है तो आप तुरंत साइबर क्राइम वालों को रिपोर्ट करो, और जो आपका बिजली प्रोवाइडर है उन्हें भी बताओ ताकि किसी के साथ स्कैम ना हो सके। तो ये थी गाइस, आप इससे बच सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, टेक केयर, सी यू सून।